स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल विल बी फाइन. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किरण पुनिया. लेट्स स्टार्ट आवर स्टडी विद स्माइली फेस एंड फ्रेश माइंड. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट फ्रीक्वेंसी पॉलीगन. अब तक हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा में टू टाइप के क्या किए हैं, ग्राफ्स किए हैं. एक बार ग्राफ था, सेकेंड वन था हिस्टोग्राम. बार ग्राफ होता था किसी भी डाटा के लिए जिसमें हमारा अगर कॉन्टिन्यू क्लास इंटरवल गिवन नहीं होता था तब भी हम क्या बना लेते थे, बार ग्राफ. उसके बाद हमारे पास आया हिस्टोग्राम. हिस्टोग्राम में हमारे पास क्या होता था, जो क्लास इंटरवल होता था वो कंटिन्यू होता था. मतलब जो बार्स बनते थे हमारे बार ग्राफ में उनके बीच में कोई भी गैप नहीं आता था. अब हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन की. फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के अंदर आपका हिस्टोग्राम ही यूज़ होगा. एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में एक नई चीज़ आएगी आपके पास जो होगी क्लास मार्क. क्लास मार्क आपका क्या होता है, क्लास मार्क को बोल सकते हैं आप जो आपका क्लास इंटरवल गिवन है उसका मिड पॉइंट भी बोल सकते हैं. नहीं तो फिर इनकी जो प्रॉपर लैंग्वेज है उसमें प्रॉपर डेफिनेशन होती है अपर लिमिट क्लास इंटरवल की प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2. जो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट को 2 से डिवाइड कर देंगे. जैसे 140 से 150 आपका क्लास इंटरवल है तो इसका क्लास मार्क क्या रहेगा आपका, 140 प्लस 150. दोनों आप क्या करेंगे, दोनों लिमिट को ऐड कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे. क्या आ जाएगा, 290 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 145. तो जब भी आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना होगा तो आप क्या करेंगे, जो आपको क्लास इंटरवल गिवन होगा उससे आप आपके क्लास मार्क फाइंड आउट कर लेंगे. ठीक है, ये क्लास मार्क फाइंड आउट करेंगे तभी आपका पॉलीगन बनेगा. 140 से 150 का अब आपका क्वेश्चन है, इन अ सिटी द वीकली ऑब्जर्वेशन मेड इन अ स्टडी ऑन द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल. एक सिटी है जिसकी वीकली ऑब्जर्वेशन की गई है और स्टडी किस चीज़ की गई है, जो कॉस्ट है लिविंग इंडेक्स की वो ये है. 140 से 150 कॉस्ट है लिविंग इंडेक्स की, उसकी फ्रिक्वेंसी है 5 वीक. 150 से 160 है 10 वीक्स. 160 से 170 है 20 वीक्स. 170 टू 180 है आपकी 9 वीक्स. 180 टू 190 है 6 वीक्स. एंड 190 से 200 आपकी फ्रीक्वेंसी है 2 वीक्स. ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे क्लास मार्क. क्लास मार्क फाइंड आउट करने के लिए मैंने अभी फॉर्मूला बता दिया. फर्स्ट का आएगा 145, सेकंड का 155, थर्ड वन 165, फोर्थ का क्या आ जाएगा 175. दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करवा देंगे. ठीक है, फिर आएगा 185, फिर उसके बाद आएगा 195. जो अपर लिमिट है प्लस लोअर लिमिट कर देंगे और 2 से डिवाइड करवा देंगे, वो बनेंगे आपके क्लास मार्क. अब उन क्लास मार्क का आपका बेनिफिट क्या है, आपका बनता ये पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस जो आपकी फ्रीक्वेंसी है इससे, फ्रीक्वेंसी से और क्लास इंटरवल से आपको क्या बनाना पड़ेगा, अपना हिस्टोग्राम बनाना पड़ेगा. ठीक है, और कंटिन्यू है ना हमारा इंटरवल, यहाँ 150 पे ख़त्म हुआ और यहाँ 150 से ही स्टार्ट हो गया, तो ये कंटिन्यू है तो हिस्टोग्राम ही बनेगा. अब हम ड्रॉ करते हैं हमारा हिस्टोग्राम. हॉरिजॉन्टल आएंगे आपके नंबर, वर्टिकल आएंगे नंबर ऑफ वीक्स एंड हॉरिजॉन्टल आएगी कॉस्ट है जो आपकी लिविंग इंडेक्स की वो. तो जो 140 से 150 वाला इंटरवल है उसकी फ्रीक्वेंसी है 5. 140 से 150 की आपकी फ्रीक्वेंसी 140 यहाँ पे है ना, तो एक चीज़ और ध्यान रखेंगे. अब देखिए 0 से 140 के बीच में आपका कुछ आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है, तो उसके लिए जो आप लाइन ड्रॉ करते हैं वो लाइन ऐसे ड्रॉ होती है. अब यहाँ से यहाँ तक का गैप है ना, इस गैप को ऐसे कवर करते हैं, ये ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे, ऐसे ड्रॉ करेंगे, ऐसे ड्रॉ कर देंगे. ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, आपका गैप आ जाएगा. उसके बाद हम देखते हैं 140 से 150 तक का आपका क्या बन रहा है, 5 थी फ्रीक्वेंसी. ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या है आपकी, 5 है. फ्रीक्वेंसी विल बी 5. एंड 150 से 160 आपकी फ्रीक्वेंसी है वो है आपकी 10. ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी से आपको हिस्टोग्राम ड्रॉ करना आता है. हमने कैसे किया था, बहुत बार कर चुके हैं. 160 से 170 जो आपकी है वो है 20.
वो आपकी फ्रीक्वेंसी गिवन है 20, ठीक है। 160 से फिर जो 170 से 180 है आपकी फ्रीक्वेंसी 9, ठीक है। उसके बाद 180 टू 190 आपकी फ्रीक्वेंसी है 6, एंड लास्ट है आपकी 190 से 200 और वो आपकी फ्रीक्वेंसी है ओनली 2, ठीक है। और ये हम हाफ हाफ सेंटीमीटर क्यों ले रहे हैं, जैसे यहाँ 2 फ्रीक्वेंसी थी तो 1 सेंटीमीटर क्यों लिया, क्योंकि हम स्केल क्या लेके चल रहे हैं, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2, यही लेके चल रहे हैं ना, 2 वीक के इक्वल 1 सेंटीमीटर को। अब ये बन गया हमारा हिस्टोग्राम, इसे हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कैसे बनाएंगे। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने के लिए हमें, हमने जो क्लास मार्क लिए थे ना, वो यहाँ पे जहाँ जिसका ग्राफ बन रहा है, जैसे यहाँ पे क्लास मार्क कहाँ आएगा, देखिए इन दोनों के जी सही एग्जैक्ट बीच में आएगा ना, जैसे यहाँ पे, तो इसके बिल्कुल जस्ट बीच में हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक डॉट लगा देंगे, ठीक है। ऐसे ही 155 क्लास मार्क था तो 155 के इक्वल एक डॉट बना देंगे, यहाँ 165 था तो जहाँ हमारा ये टच हो रहा है ना वहाँ पे बनाएंगे इसके मिड में। उसके बाद था हमारा क्लास मार्क 175, ठीक है। नेक्स्ट था 185, नेक्स्ट था हमारा 195। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको करना पड़ेगा, यहाँ देखिए यहाँ क्या आया आपका 145 ना, यहाँ पे आया 155, यहाँ पे आया 165, ठीक है, ऐसे आ रही हैं। तो अब ये आपका यहाँ कहाँ पे मैच करेगा, ये देखना है, ये मैच करेगा यहाँ 135 पे। जैसे अगर 135 आपका यहाँ आ रहा है तो जितना जितना गैप है ना, जैसे 155 से 45 से, सब में 10 गैप है, तो 10 गैप पहले ही ये मीट करेगा इसे, ठीक है। 10 गैप पहले जैसे ही ये मीट करेगा, अब हम इन सारे पॉइंट्स को क्या करवा देंगे, मीट, जो जो हमारे पॉइंट्स आए थे ना क्लास मार्क वाले, उन सारे पॉइंट्स को क्या करवा देंगे, हम मीट करवा देंगे। और जैसे ही मीट हो जाएंगे ये सारे पॉइंट्स, तो हमारी जो रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है वो आ जाएगी। अब देखिए ये यहाँ पे हमने 10 पे मीट करवाया था ना, 10 नंबर पहले, इससे 145 क्लास मार्क से 10 पहले, ऐसे ही यहाँ पे क्लास मार्क हमारा क्या आया 195, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे 205, और वही सेम स्केल की हेल्प से 205 पे अब ये हमारा क्या करेगा, इसको ज्वाइन कर लेगा, और ये हमारी क्या आ जाएगी, ये जो शेप बनी है ये हमारी रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन आई है। अब इसके लिए एक तो आपने क्या किया, आपकी जो ओरिजिनल, सबसे पहले तो क्या लिया, जो ओरिजिनल क्लास इंटरवल था ना वो लिया आपने, ठीक है। उसके बाद क्या किया, जो जो क्लास मार्क थे आपके, वहाँ मिड पॉइंट लिया आपके बार का मिड पॉइंट लेते गए आप, और उन सारे मिड पॉइंट को मैच कर दिया, और ये यहाँ पे इस लाइन पे कहाँ मैच करी, जितना गैप था उतने ही गैप पहले मैच कर गया और उतने ही गैप बाद में, ये बन गया आपकी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। बट आप इसको क्लास इंटरवल की हेल्प लिए बिना भी बना सकते हैं, डायरेक्ट कहाँ से, क्लास मार्क से। लेकिन क्लास मार्क से जब बनाएंगे तो आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा, ये देखिए सब में 10 का गैप आ रहा है ना, तो 145 से हम स्टार्ट नहीं करेंगे, इससे 10 गैप पहले स्टार्ट करेंगे, और 10 गैप बाद तक हमारा क्या जाएगा ग्राफ। 10 गैप पहले लेंगे तो क्या आएगा 135, फिर यहाँ क्या, फिर आएगा 145, फिर 155, 165, 175, उसके बाद 195 आएगा, उसके 10 गैप बाद फिर करेंगे। इसमें से तो जो हमारा गैप आ रहा है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे, और इसमें जो गैप आ रहा है वो ऐड कर देंगे, इतना हमारा ग्राफ चलेगा। कैसे करेंगे हम, अब जो हम हमारा बार ग्राफ बनाएंगे उसमें ये वाली टर्म्स तो सेम रहेंगी, यहाँ पे क्या आ जाएंगे हमारे क्लास मार्क, और ये हमें स्टार्ट कहाँ से करनी है, क्या बताया था मैंने, 145 से था ना क्लास मार्क, और 10 का गैप था, तो हम कहाँ से 135 से स्टार्ट करेंगे, फिर 145, 155, 165, 175, 185, 195 एंड उसके बाद 10 और, तो 205, यहाँ तक जाएगा हमारा ग्राफ। और एक चीज़ और बताई थी ना मैंने, क्या कि जहाँ पे कंटिन्यू, जैसे 0 से 135 तक हमारा कोई डाटा गिवन नहीं है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा,
ऐसे लाइन, ये लाइन और ये मीट करवा देंगे 135 पे, ठीक है। ये ग्राफ ऐसे ड्रॉ करते हैं फिर हम। अब 135 पे तो हमारा पॉइंट आएगा, 145 की जो हमारी ना क्या किया हमने, 145 पे तो क्या है हमारा क्लास मार्क था जब 5 फ्रीक्वेंसी, 155 पे हमारी फ्रीक्वेंसी थी 10, तो हमने डॉट लगा दिया 5 पे। अब 165 पे हमारी फ्रीक्वेंसी थी 20, तो हमने 20 पे डॉट लगा दिया। 175 पे जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारी है 9, तो कहाँ आएगा डॉट आपका, यहाँ पे। और उसके बाद 185 पे जो फ्रीक्वेंसी है वो है 6, और लास्ट में जो हमारी 195 पे फ्रीक्वेंसी है वो है 2। तो ये आगे हमारे डॉट सारे, और हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, 135 से। और डॉट कौन से मिलेंगे, पहले सबसे पहले जो लगा था 45 वाला, उसके बाद 55 वाला, उसके बाद 65 वाले डॉट को हम मैच करवाएंगे। नेक्स्ट वापिस आएंगे 175 पे। यूँ नहीं है हमारी मर्जी से, जो हमारा क्लास मार्क के अकॉर्डिंग हमने डॉट लगाए ना, तो क्लास मार्क के अकॉर्डिंग ही उनको मैच करेंगे। और लास्ट में ये कहाँ पे मीट कर जाएगा, ये। तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बन गया। लेकिन और यहाँ पे हमने क्लास इंटरवल की हेल्प भी नहीं ली, सिर्फ हमने क्लास मार्क ड्रॉ किए। और एक चीज़ ही ध्यान रखनी है कि क्लास मार्क में जितना जितना गैप है, उतने ही गैप पहले वाला एक नंबर लेना पड़ेगा और उतने ही गैप बाद का एक नंबर लेना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि पहले वाले से तो हमें स्टार्ट करनी है ड्रॉ करनी, और लास्ट वाले पे हमें मीट करवा के वापस कंप्लीट करनी है हमारी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ओके, थैंक यू क्लास।